हेलोजन डेरिवेटिव्स ये जो टॉपिक्स अब हम स्टडी करने लगे हैं इसमें आते हैं हेलो एलकेन्स हेलो एरीन्स और पॉली हेलोजन डेरीवेटिवस तो इन तीनों को हम इस चैप्टर में स्टडी करते हैं सबसे पहले हम स्टडी करेंगे हेलो एल्केन्स को तो जो भी हम अब फंक्शनल ग्रुप आगे भी स्टडी करेंगे सबसे पहले हम ये हेलोजन डेरीवेटिव करने लगे हैं उसके बाद हाइड्रोक्सिल डेरीवेटिव करेंगे और फिर कई और कंपाउंड्स भी कई और फंक्शनल ग्रुप्स वाले कंपाउंड्स हम स्टडी करेंगे हर एक में जो पैटर्न ऑफ स्टडी होगा वो सेम होगा सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी टाइप का आइसोमेरिज्म ये शो करते हैं कंपाउंड्स। फिर उसके बाद इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन होंगे और उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज फिर केमिकल प्रॉपर्टीज और सबके लास्ट में अगर कुछ स्पेशल कंपाउंड्स हुए उस कैटेगरी में तो उनके कुछ मेथड्स प्रिपरेशन या कुछ स्पेशल केमिकल रिएक्शंस तो इस तरीके से हमें हमने डिफरेंट जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको फॉलो करना है तो सबसे पहला हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप वाला आता है दो हेलोजन डेरिवेटिव्स भी कह देते हैं हम इनको या और ये का नाम है तो हेलो में सबसे पहले आइसोमेरिज्म किस किस टाइप का ये शो करेंगे तो आपने स्टीरियो या आइसोमेरिज्म में पहले भी स्टडी किया है कि आइसोमर्स क्या होते हैं आइसोमर्स आर दी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज तो ये डिफरेंस इन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कई कारणों से आ जाता है तो जो हम अभी स्टडी करेंगे कि हेलो कौन-कौन सी टाइप का आइसोमेरिज्म शो करते हैं सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म चेन आइसोमर्स होते हैं कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट कार्बन कार्बन चेन्स मैं यहां पर एक एग्जांपल से ही ये सारा जो है टॉपिक वो एक्सप्लेन करूंगा जैसे ये है नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड कॉमन नेम इसका या आई नेम है वन क्लोरोब्यूटेन जिसमें ब्यूटाइल रिंग के चेन के एंड पे लगा है और अब ऊपर थी स्ट्रेट चेन यहां पर मैंने ब्रांच चेन ब्रांच चेन जो है वो यूज की तो ये दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के चेन आइसोमर्स कह, कहे जाएंगे तो चेन आइसोमेरिज्म के बाद सेकेंड टाइप का आइसोमेरिज्म आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म जो हेलो एलकेन्स शो करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म पोजीशन आइसोमर्स होते हैं जिनमें हम पोजीशन ऑफ फ़ंक्शनल ग्रुप डिफरेंट करते हैं तो वैसे ही यहां पर करेंगे जैसे वन क्लोरोप्रोपेन है और इधर हम टू क्लोरोप्रोपेन लें तो यहां पर पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट की गई है इन दोनों कंपाउंड्स में अदरवाइज इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है फिर इसके बाद स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में ही और होते हैं फंक्शनल आइसोमर्स मेटामर्स टॉटोमर्स इनमें से कोई भी हेलो जो है वो शो नहीं करते फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करेंगे क्योंकि इनमें अनसेचुरेशन नहीं है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये थोड़ा बहुत शो कर लेंगे तो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये इसके लिए भी आपने कंडीशंस कर रखी हैं कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी कि जब कायरिटी हो स्ट्रक्चर में तब कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला कंपाउंड जो बना रहा हूं, इसमें आप देख सकते हो कि जो मैंने ये स्टार से रिप्रेजेंट की है कार्बन दैट इज ए कायरल कार्बन इसके साथ जो चारों एटम्स या ग्रुप्स ऑफ एटम्स अटैच हैं वो डिफरेंट हैं इसलिए ये कार्बन जो है इट इज ए कायरल कार्बन इट विल बी नॉन सुपर इम्पोजेबल ओवर इट्स मिरर इमेज ये अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं होगी तो इसलिए ये कंपाउंड और इसकी मिरर इमेज जो है दीज विल बी ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ इच अदर इस तरीके से इन टाइप्स का आइसोमेरिज्म जो हेलो हैं वो शो करते हैं तो आइसोमेरिज्म के बाद अगला टॉपिक जो हम स्टडी करते हैं किसी भी फंक्शनल ग्रुप में दो दैट इज मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन तो एल्केन्स को हम किन किन तरीकों से या किन किन टाइप के कंपाउंड से कर सकते हैं यह देखना है तो सबसे पहले हम देखेंगे इनकी प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन तो फर्स्ट मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन हमने इससे पहले चैप्टर में स्टडी किया है एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन्स वगैरह जिनमें हमने स्टडी किए थे तो उनमें हमने एल्केन से भी हेलो एल्केन प्रिपेयर किए थे और से भी किए थे तो सबसे पहले हम करते हैं फ्रॉम एल्केन्स और एलकेन्स में की हेल, आ, से लेकर हेलो एल्केन हम कैसे करके प्रिपेयर कर सकते हैं ये रिएक्शन भी हमने डिटेल में स्टडी की थी कि अगर हम इसमें क्लोरीन ऐड करें इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और इसको हीट करें 100 टू 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक देन वी यूज टू गेट ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड जहां तक जब तक हाइड्रोजन है तब तक ये सब्सटीट्यूशन चलती रहती है और ये बन जाएगा तो ये हमने की केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन स्टडी की थी उसमें यह भी देखा था कि कैसे करके एक मिक्सचर तो सिर्फ क्लोरोमिथेन ही प्रिपेयर करनी तो उसके साथ साथ ये तीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो बन जाते हैं यानी कि इसमें क्लोरोमिथेन की परसेंटेज होगी काफी कम तो फिर अगर हम चाहें कि इसमें जो परसेंटेज ऑफ क्लोरोमिथेन है यही सबसे ज्यादा हो जो बाकी के चारों आ, हमारे पास कंपाउंड्स थे बने वो कम हो कि मेजर प्रोडक्ट जो है वो क्लोरोमिथेन हो तो वो कैसे करना है तो उसके लिए भी हमने में ही स्टडी किया था कि हम अगर हाइड्रोकार्बन को एक्सेस में यूज करें ये अगर 100 मॉलिक्यूल्स हैं और ये दो चार मॉलिक्यूल्स ही हैं तो एक मिथेन को ज्यादा से ज्यादा एक क्लोरीन ही मिलेगी तो तब मोनोहेलोजन डेरिवेटिव यानी कि क्लोरोमिथेन विल बी ए मेजर प्रोडक्ट तो तब ये मेजर प्रोडक्ट होगा पर अगर मैं चाहूं कि CCl4 हो मेजर प्रोडक्ट यानी कि जब मैक्सिमम मैक्सिम हुई हुई है तो वो हो मेजर प्रोडक्ट तो उस केस में जो रिएक्टेंट्स है उनका अमाउंट मुझे इस तरह से करना पड़ेगा यूज के क्लोरीन को एक्सेस में लेना होगा जैसे तीन चार मॉलिक्यूल अगर मिथेन के हैं और 100-200 मॉलिक्यूल्स हैं क्लोरीन के तब एक मिथेन मॉलिक्यूल जितने मैक्सिमम क्लोरीन को अकोमोडेट कर सकता है वो सारे उसको अवेलेबल हो जाएंगे एंड वी विल गेट सी सी एल फोर पर ये जो मोनोहेलोजिनेशन हमने की अभी इसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है जब हम हायर प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रोपेन लें प्रोपेन की क्लोरीनेशन करें इन दी प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट और हीट करने से तो प्रोपेन में हम देख सकते हैं कि दो तरह के कार्बन हैं यह प्राइमरी कार्बन है मैं लिख भी देता हूं इनके ऊपर प्राइमरी और वन डिग्री ये वाली है सेकेंडरी और टू डिग्री कार्बन तो अगर हाइड्रोजन जो है वो प्राइमरी कार्बन से रिप्लेस हो तो तब हमें मिलता है प्राइमरी हेलोएलकेन और अगर हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन से रिप्लेस हो तब हमें मिलेगा सेकेंडरी हेलोएलकेन तो इस तरह से साथ में एच तो बनेगा ही बनेगा तो हमें मिक्सचर ऑफ डिफरेंट आइसोमर्स मिलेगा जिसमें जो वन क्लोरोप्रोपेन है या नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड है इसकी परसेंटेज थोड़ी कम होती है अबाउट 45 परसेंट और जो टू क्लोरोन या आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है इसकी परसेंटेज थोड़ी ज्यादा यानी कि अबाउट 55 परसेंट होती है ये ऐसे क्यों होती है वेरिएशन परसेंटेज में ये भी मैंने आपको हाइड्रोकार में ही बताया था कि जो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केडिकल सब्सटीट्यूशन क्लोरोप्रोपेन बनने से पहले बनता है प्राइमरी फ्री रेडिकल और यहां पर बनेगा सेकेंडरी फ्री रेडिकल और प्राइमरी और सेकेंडरी फ्री रेडिकल में सेकेंडरी फ्री रेडिकल जो होता है दैट इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट तो इसीलिए ही ये ज्यादा स्टेबल होने के कारण सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा बनेगा और उससे सेकेंडरी हेलो एलकेन भी ज्यादा अमाउंट में ही बनेगा तो इस तरीके से हमने देख लिया कि अगर डायरेक्ट हेलोजिनेशन में हम मोनो हेलोजिनेशन भी करें यानी कि सिर्फ एक हेलोजन को भी आ, हम अटैच करवाए विद्रोकार्बन चेन तब भी हमारे पास प्रॉब्लम हो जाती है कि मिक्सचर ऑफ डिफरेंट आइसोमर जो हैं वो बन जाते हैं तो इसलिए ये प्रोसेस जो है ये कोई उतना सूटेबल नहीं होगा फॉर द प्रेपरेशन ऑफ हेलो तो आप लिख भी सकते हो डायरेक्ट हेलोजीनेशन ऑफ एल्केन्स इज़ नॉट सुटेबल प्रोसेस डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एलकेज नॉट ए सुटेबल प्रोसेस फॉर प्रेपरेशन ऑफ हेलो एलके बिकॉज ऑफ दमेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट और अगर हम मोनो हेलोजिनेशन भी करें तब भी हमें मिक्सचर ऑफ डिफरेंट आइसोमर्स मिल जाता है पर फिर भी कुछ ना कुछ तो यूज होगा ही इस रिएक्शन का तो आप लिख सकते हो हाउ एवर इट इज यूजफुल ओनली वेन दलो एल केन ऑबटेन्ड इज टू बी यूज एज ए सॉल्वेंट The न uh, formed is to be used as a solvent. अगर उसको solvent के तौर pe use करना हो तो one chloropropane है कि two chloropropane है वो उनकी properties as a solvent के ऊपर कोई उतना effect नहीं होता फिर हमने हाइड्रोकार्बन में ही ये भी स्टडी किया था कि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन हम कभी नहीं करते क्योंकि ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है तो इसलिए आप लिख सकते हो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज नेवर कैरिड आउट because of explosive nature of the reaction bromination proceeds in a similar way bromination proceeds in a similar way but at a slower rate and direct iodination Being, being a reversible reaction is carried out in the presence of an oxidizing agent. लाइक एच आईओ थ्री आयोडिक एसिड और एच एन ओ थ्री तो इस तरह से जो एच आईओ थ्री है या एच एन ओ थ्री है वो एच आई को डिकम्पोज कर देते हैं और आई टू की प्रेपरेशन कर देते हैं एच आई एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है इसलिए ये की रिडक्शन करके इसको बैक हाइड्रोकार्बन में ही कन्वर्ट कर देता है और इस तरीके से हमने दो काम किए एक तो की को डिक्रीज किया दूसरी बात आई टू आयोडीन की कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज किया तो अकॉर्डिंग टू ली विल बी शिफ्टेड इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन विल बी एल्के तो इस तरीके से फ्रॉम हम प्रिपेयर कर सकते हैं हेलो को। फिर आती है बात फ्रॉम से हम कैसे हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं तो यह हम करते हैं बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड्स। जैसे ये हमने इथिलीन लिया कंपाउंड इसमें एच ऐड करें तो ये आपको पता है HCl being an acid gets ionized to give H positive and Cl negative ions. तो H positive electrophile है वो पहले pi bonded carbon पे अटैक करेगा आपने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में भी सीखा था प्लस E इफेक्ट में कि H पॉजिटिव जिस कार्बन के ऊपर जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन्स भी उधर ही जाते हैं सपोज करो कि H पॉजिटिव जो है वो पहली कार्बन पे जाए तो यहां पे इस कार्बन के साथ अब तीन हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे और ये पाई बॉन्ड भी इसी कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस सी एच टू ग्रुप वाली कार्बन का था जो इसने लूज कर दिया तो इसलिए इस कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज एंड टू दी पॉजिटिवली चार्ज कार्बन जो हेलाइड आयन है सी एल नेगेटिव वो जाके अटैच हो जाएगा तो ये एक सिमिट्रिकल एल्कीन था इसलिए जिधर मर्जी हाइड्रोजन अटैच कर दो जिधर मर्जी हेलोजन अटैच कर दो कोई डिफरेंस नहीं पड़ता पर अनसिमेट्रिकल एल्किन्स हों अगर तो उनके केस में अगर हम हेलोजन एसिड ऐड करें या कोई भी और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अटैच करवाएं अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होता है जो दो डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेकअप हो तब मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंगली ही एडिशन रिएक्शन होती है मतलब यहां पर मार्कॉनिक रूल चलेगा और ये मार्कॉनिक रूल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मार्कॉनिक रूल आप लिख सकते हो दोबारा मार्कॉनिक रूल क्या होता है वाइल एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट्स टू अनिमिट्रिकल एल्किट्रिकल रिएजेंट्स में हेलोजन एसिड भी आते हैं जो दो डिफरेंट पार्ट में ब्रेकअप होते हैं एच पॉजिटिव आयन और हेलाइड आयन तो वाइल एडिशन ऑफ अनिट्रिकल रिएजेंट्स टू अनिट्रिकल एल्कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट जैसे अभी हम कर रहे हैं हेलोजन एसिड तो उसमें पॉजिटिव पार्ट है हाइड्रोजन द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट गोज टू दार्बन

इट इज हैविंग ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम तीन है सबसे ज्यादा है तो हाइड्रोजन को इसके पास भेजो इस तरह से नहीं जहां पर मल्टीपल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड हो किसी केस में जहाँ पे एडिशन होनी है उन दोनों कार्बन को कंपेयर करना होता है कि, कि किसके पास ज्यादा हाइड्रोजन हैं और किसके पास थोड़े कम हाइड्रोजन हैं तो इसी तरह से आपने स्टडी किया था एल्कीन्स में ही कि अगर अनसिमिट्रिकल एलकीन में हम एच बी आर एड करें तब एंटी मारकोनिकॉव रूल लगता है जैसे मैं प्रोपीन की बात करूं अगर प्रोपीन में अगर एच बी आर की एडिशन देखी जाए और ये भी इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पारोक्साइड कॉमनली बेनजॉयल पारोक्साइड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट हो ही जाता है अपने आप ही बन जाता है तो इस केस में यहां पर मरकॉनिक रूल के अगेंस्ट होगी एडिशन यानी कि अब हाइड्रोजन या पॉजिटिव पार्ट ऑफ दी अटैकिंग रिएजेंट दी जो है यह जाएगा टू कार्बन कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन और नेगेटिव पार्ट यानी कि हेलाइड यानी कि ब्रोमाइड इट विल गो टू दी कार्बन कंटेनिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो इसको कहा जाता है एंटी मार्कनिक रूल लिखा इसको के ओ डबल एफ जाता है कॉफ लिखते हैं पर बोला है। बोलते इसको कॉव है क्योंकि डबल एफ जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन वी वाली होती है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हम यहां पे फॉलो होता देखते हैं तो आप लिख भी सकते हो एंटी मार्कोनिक रूल यहां पर हम हेलोजन एसिड्स की एडिशन कर रहे हैं इसलिए उसी की बात करेंगे कि वाइल एडिशन ऑफ हेलोजन वाइल एडिशन ऑफ एच बी आर एक्रॉस अनसिमिट्रिकल एलकींस इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑर्गेनिक परोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑर्गेनिक परोक्साइड पॉजिटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट, जैसे यहां पर अभी हाइड्रोजन था पॉजिटिव पार्ट द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट गोज टू द कार्बन कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाइल्ड द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट गोजू दार्बन कंटेनिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स तो हेलोजन एसिड की एडिशन में एंटी मार्कोनिकोज रूल सिर्फ और सिर्फ एच बी आर के केस में अप्लाई होता है अदरवाइज नहीं <coughs> तो अगर मैं रिएक्शन लिखूं ये वाली इसमें कहूं कि एच की एडिशन करवाओ तो आपको पता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कब लगेगा ओनली इन केस ऑफ एच पर साथ में मैंने ये भी बताया है कि ऑर्गेनिक परोक्साइड की प्रेजेंस होनी भी नेसेसरी है जब हम इसका मैकेनिज्म करते हैं तो देखते हैं उसमें कि जो ऑर्गेनिक परोक्साइड है वो किस तरह से फ्री रेडिकल जनरेट करता है और उसके अकॉर्डिंगली एंटी मार्कोनिकोव वे में एडिशन होती है पर यहां पर क्योंकि परोक्साइड मेंशन नहीं किया गया तब सिर्फ मार्कोनिकोव एडिशन होगी यानी कि मार्कोनी का रूल ही फॉलो होगा पॉजिटिव पार्ट ऑफ दी अटैकिंग रिएजेंट विल गो टू दी कार्बन कंटेनिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन सी एच के पास एक हाइड्रोजन है और इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है इसलिए इसको हम गिनेंगे कार्बन कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर ऑर्गेनिक परऑक्साइड नहीं लिखा हुआ तब मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करोगे एच के केस में भी और अगर पारोक्साइड लिखा है तब एच बी आर के केस में एंटीमार्कोनी कॉ रूल फॉलो होगा बाकी एच सी एल हो एच आई हो उनके केस में ये फॉलो नहीं होता और आपको यह भी पता है कि एच बी आर जो है दैट इज क्वाइट अनस्टेबल इट इज ऑलवेज प्रिपेयर इन सी टू इसकी हम इन सी टू प्रिपरेशन करते हैं यानी कि विद इन द रिएक्शन मिक्सचर और फिर सबके बाद आती है एलिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिलिक पोजीशन क्या होती है ये जब आपने हाइपर कंजुगेशन करी थी स्टडी उसमें मैंने बताया था कि डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट जो कार्बन है उसको एलेलिक कार्बन बोला करते हैं अगर इस एल्कीन में मैं क्लोरीन ऐड करूं तो क्या रिएक्शन होगी तो हमने एल्कीन्स की एडिशन में देखा था कि यहां पर एडिशन रिएक्शन होगी दोनों डबल बॉन्डेड का, कार्बन को एक एक क्लोरीन जो है वो ऐड हो जाएगी इस तरह से ये हमारे पास एक विसिनल डाइक्लोराइड बनेगा पर अगर टेम्परेचर को मैं ज्यादा कर दूं, यानी कि मोर देन 500 डिग्री सेल्सियस कर दूं, सपोज कर लें कि 773 केल्विन कर दिया यानी कि 500 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो जो भी विसिनल डाइहेलाइड होते हैं उनकी डीहेलोजिनेशन हो जाती है यानी कि यहाँ से दोनों हेलोजन वापस निकल जाएंगे बैकवर्ड रिएक्शन होकर फिर से प्रोपीन और सी मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे तो मतलब इतने हाई टेम्परेचर पर कोई एडिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती अब अगर कोई रिएक्शन होनी है तो विल बी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन और सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कहाँ पे होगी तो ये सिर्फ वहीं पे होगी जहां पर होनी सबसे इजी हो तो सबसे इजी कहां पे है जहां पे कार्बन के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स हैं सबसे वीक और हाइपर कंजुगेशन में आपने स्टडी किया था कि एलेलिक कार्बन के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स होते हैं वीक यानी कि सब्स्टिट्यूशन इज फैसिलिटेटेड और एनकरेज ये मैंने आपको लिखवाई भी थी लाइन तो इसलिए यहां पर एलेलिक कार्बन से एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा और वी विल गेट एलाइल क्लोराइड एज द प्रोडक्ट तो अगर टेम्परेचर को किया जाए हाई टेम्परेचर रिएक्शन को किया जाए हाई टेम्परेचर पे तो तब कोई एडिशन रिएक्शन नहीं होती सिर्फ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है और वो भी एलिलिक uh, पोजीशन पर ही पर इतना हाई टेम्परेचर जो है वो लेबोरेटरी में अटेन करना पॉसिबल ही नहीं होता तो अगर हमें इस रिएक्शन को लैब में ही करना है तो उसके लिए हमें कंडीशंस थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेंगी तो वो कैसी होगी, कैसे होगी? तो अगर हम हेलो हेलोएलकेन में ऐड करें SO₂Cl₂ सल्फ्यूरिल क्लोराइड और अब टेम्परेचर थोड़ा डाउन यानी कि 475 कैल्विन पे भी रिएक्शन हो जाएगी अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे और थोड़ा सा प्रेशर हमें हाई करना पड़ेगा और तब दिस इलाइल क्लोराइड प्लस एसओ प्लस एच तो ये वाले प्रोडक्ट्स भी बन जाएंगे पर ये भी टेम्परेचर जो है काफी हाई है इसलिए अगर हमें इससे भी लो टेम्परेचर पे रिएक्शन को करना हो यानी कि एलिलिक सब्स्टिट्यूशन करनी हो अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस तो उस केस में हमें फिर एक एक्सेलेंट एलाइलेटिंग एजेंट कहा जाता है कंपाउंड को दैट इज एन बी एस और एन ब्रोमो सुक्सिनिमाइड तो मैं यहां पर कंपाउंड बनाने लगा हूं आप एकदम से इसको नहीं लिखना ये वाला कंपाउंड हमने एल्किन्स के मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन में भी यूज किया था इसको कहा जाता है सुक्सिनिक एसिड इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन अगर हम करवाएं तो बन जाता है सुक्सिनीमाइड इसको कहा जाता है सुक्सिनीमाइड फिर इसमें के ओ एच अगर मैं ऐड करूं अल्कोहलिक तो यहां से हाइड्रोजन विल बी लॉस्ट एज एच पॉजिटिव आयन और उसकी जगह पे पोटेशियम आयन आके अटैच हो जाएगा तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड पोटेशियम सुक्सिनीमाइड या एन ब्रोमो हमें यूज करना है यहां पे फिर इसके बाद इसमें हम ब्रोमीन ऐड करेंगे अगर तो यहां पर ब्रोमीन ऐड हो जाएगी तो ये वाला कंपाउंड है एन ब्रोमो माइड जिसको हम कॉमनली एनबीएस भी कह देते हैं तो एन बी एस जो है दैट इज एन एक्सेलेंट एलाइलेटिंग एजेंट तो ये एलिलिक पोजीशन पर बड़ी इजीली सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कर, दे, कर देता है तो कैसे प्रोडक्ट बनेगा जो एलिलिक पोजीशन पर कार्बन है उसका एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा बाय ब्रोमीन तो यहां पर हमें मिलेगा एक एलाइल ब्रोमाइड ये और साथ में मिल जाएगा सुक्सिनिमाइड यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ आके लग जाएगा हाइड्रोजन तो इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी अगर मैं इसको थोड़ा इधर करके लिख दूं तो हमें ऑब्टेन होगा एक एलाइल ब्रोमाइड और साथ में सुक्सिनिमाइड ओ एच OH नहीं डबल बॉन्ड ओ होता है में, दिस तो इस तरीके से हम कह देते हैं कि NBS जो है दैट इज एन एक्सीलेंट एलाइलेटिंग एजेंट ये रूम टेम्परेचर पे ही इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्शन हो जाती है इस तरह से फ्रॉम फ्राम हमने देख लिया कि किन किन तरीकों से हम हेलो जो हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं तो इनमें ज्यादा तरीके तो हमने पहले भी स्टडी किए हुए थे हाइड्रोकार्बन्स में ही दूसरा मेथड जो है वो स्पेशल है नया है ये हमने पहले नहीं किया दैट इज फ्रॉम अल्कोहल्स और अल्कोहल्स में सबसे पहले आएगा ए पार्ट इसका बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड्स, बाय एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड्स कि अगर हम अल्कोहल में हेलोजन एसिड कोई ऐड करें जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं इथेनॉल की इथेनॉल में अगर मैं एच सी एल गैशियस पास करूं इन देंस ऑफ एनहाइड्रसडेंट टू और इसको हीट करना पड़ेगा इस रिएक्शन मिक्सचर को फॉर अबाउट दस मिनट तक इसको हीट भी करूं तब जाके जो ओ एच ग्रुप है दैट गेट्स रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन प्लस साथ में वॉटर बन जाएगा तो ये सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो ये कैसी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है इट इज एन इट इज ए न्यूक्लियोफ्लिक्सटीट्यूशन क्योंकि ओ एच नेगेटिव को सी एल नेगेटिव कर दिया है तो ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे करेगी सबसे पहले हम ये देखते हैं फिर हम बात करेंगे कि क्यों इसको हीट करना पड़ा फॉर टेन मिनट तो एच सी एल जो है दैट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा नो डाउट एक्वा सोल्यूशन में जो एच पॉजिटिव है वो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है पर हमने रिएक्शन क्योंकि हाइड्रो एच पॉजिटिव के साथ ही करनी है इसलिए यही लिख लेंगे तो ये एच पॉजिटिव जो है ये जो हमने अल्कोहल ली थी सी एच थ्री सी एच टू ओ एच अल्कोहल में ऑक्सीजन के ऊपर दो दो लोन पेयर्स होते हैं और साथ में पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी होता है डेल्टा नेगेटिव तो H पॉजिटिव नो डाउट इसी ऑक्सीजन के ऊपर ही अटैक करेगी यानी कि जाके अल्कोहल की प्रोटोनेशन कर देगी अल्कोहल के ऊपर एक प्रोटोन और ऐड कर देगी तो ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन पहले लगा हुआ था एक हाइड्रोजन और आके लग जाएगा तो ये बॉन्ड बनने से पहले पेयर वाज एक्सक्लूसिवली ओवर ऑक्सीजन जब बॉन्ड बन गया तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन की जेब में चला गया हाइड्रोजन के पास हो गया था वो ऑक्सीजन का तो इस बॉन्ड के बनने के कारण ऑक्सीजन जो है इसका एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन इस पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए यह पॉजिटिव चार्ज को टॉलरेट करेगी ही नहीं जिस एटम ने दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन खींचने होते हैं यहां पर उसी से ही कोई खींच के ले गया तो वो फिर कैसे टॉलरेट कर सकती है इस बात को इसलिए जब भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा आप ये बात याद रख लेना तो इलेक्ट्रॉन पेयर था उसको लेकर यहां से निकल जाएगी तो ऑक्सीजन को तो वापस उसका इलेक्ट्रॉन मिल गया ये तो न्यूट्रल हो गई इस तरह से एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा इस कंपाउंड में से और बाकी हमें मिलेगा एक इथाइल कार्बोकेट तो इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ फिर जो हेलाइड आयन बचा है सीएल नेगेटिव ये जाके अटैच हो जाएगा और हमें मिलेगा इथेन तो इस तरह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीच्यूशन रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करती है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में हम कर रहे हैं अल्कोहल से हेलोजन एसिड रिएक्ट करवा के हम हेलो एल्केन्स प्रिपेयर कर रहे हैं जिसका हमने मकैनिज़म भी किया है तो इनके मकैनिज़म करते टाइम जो हमें स्पेशल थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी वो होगी कि जब हम कोई हायर अल्कोहल लें तो इस तरह से अगर ये वाली एल्कोहल हम यूज करें इसमें एच सी ये हम ऐड करें और सॉल्वेंट नो डाउट जो सॉरी कैटलिस्ट uh, के तौर पे हम यूज करते हैं एनहाइड्रोस टू को तो इसको हीट करें थोड़ी देर बॉयल करें तो जो हेलो एलकेन बनता है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी हो जाती है साथ में दिस प्लस वाटर। तो जो जो को रिप्लेस करके हमने क्लोरीन लगाना था वो क्लोरीन जो लगी वो लगी वाले कार्बन के साथ नहीं अटैच हुई रादर यहां से मिथाइल ग्रुप इधर आ गया तो क्लोरीन जो है वो इस स्टर्शरी कार्बन एटम के साथ लगी है ये प्राइमरी अल्कोहल है क्योंकि ओ एच ग्रुप जिस कार्बन के साथ लगा है उसके साथ तीन एक ही कार्बन और लगा है इस कार्बन के साथ ग्रुप है, तो इसके साथ सिर्फ एक कार्बन और लगा हुआ है इसलिए ये प्राइमरी कार्बन है और प्राइमरी कार्बन के साथ अगर ओवेच ग्रुप लगा हो तो उसको हम प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल की रीअरेंजमेंट होकर हमें हेलो जो है वो मिलता है तो ऐसा किस तरीके से हुआ इसका मैकेनिज्म आपको अगर समझ आए तो उससे ये बात क्लियर हो जाती है कि किस तरह करके जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन में होती है वो प्रोसीड करती है इतना तो हमें पता है कि ऑक्सीजन एटम के ऊपर दो दो लोन पेयर होते हैं जब भी इसके कोवेलेंट मॉलिक्यूल बनते हैं अब HCl इसमें ऐड किया था तो दैट बींग स्ट्रॉन्ग एसिड

सिग्निफिकेंट पार्शियल नेगेटिव चार्ज हुआ करता है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इसके ऊपर रेडीली होगा तो ये एच पॉजिटिव आयन अगर अटैक करेगा ओवर दिस ऑक्सीजन तो मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बॉन्ड बनेगा जब बॉन्ड बनेगा तो क्या सिचुएशन बनेगी तो इस केस में होगा कि जो ऑक्सीजन एटम के ऊपर लोन पेयर है दैट विल बी डोनेटेड टू हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन उसके साथ पहले लगी हुई है बॉन्ड बनने से पहले लोन पेयर वाज एक्सक्लूसिवली ओवर ऑक्सीजन ये सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर था और जब बॉन्ड बन गया तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो तो हाइड्रोजन के शेयर में चला जाता है एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के शेयर में रहता है एक इलेक्ट्रॉन सॉरी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के शेयर में चला गया था वो ऑक्सीजन का तो इस तरीके से ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और आपको पता है कि ऑक्सीजन इस पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसी से ही कोई इलेक्ट्रॉन खींच कर ले जाए या उसका इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए तो इस चीज को ऑक्सीजन टॉलरेट नहीं करती बींग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये यहां से जो कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर इसका शेयर्ड है उसको लेकर सेपरेट हो जाएगी तो हमें ऑब्टेन होगा एक प्राइमरी कार्बोकेटायन ये प्लस वाटर, ऑक्सीजन को तो लोन पेयर उसका वापस मिल गया वो तो स्टेबलाइज हो जाएगी पर यहां पर आप देखो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ सिर्फ एक कार्बन और लगा है तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन भी हमने स्टडी किया था इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन में कि सबसे कम स्टेबल होते हैं या लीस्ट स्टेबल हुआ करते हैं जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है इसलिए इनमें होगी थोड़ी फिर रीअरेंजमेंट तो वो कैसे होगी ये है जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन हमें मिला तो जब कभी भी प्राइमरी से टर्शरी ट्रांजिशन हो सकती हो तब एल्काइल शिफ्ट भी हो जाती है यानी कि ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन जिस कार्बन के साथ इसका बॉन्ड बना है उससे इलेक्ट्रॉन्स खींचने की कोशिश करेगी तो अब इस कार्बन के पास इस कोटनरी कार्बन के पास तो कोई लोन पेयर है नहीं तो फिर यहां से एक मिथाइल ग्रुप जो है वो शिफ्ट हो जाएगा तो यहां से मिथाइल ग्रुप इधर को शिफ्ट हो जाएगा टेकिंग अवे इलेक्ट्रॉन पेयर विद इट सेल्फ इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन है ऊपर वाले कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन है इस CH3 थ्री ग्रुप वाले कार्बन का दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर CH3 थ्री नेगेटिव की फॉर्म में ये यह यहां से निकलेगा और इस पॉजिटिवली चार्ज सी एच टू के साथ जाके अटैच हो जाएगा इस तरीके से हमारे पास एक जो है वो फॉर्म हो जाता है क्योंकि इस कार्बन का एक का एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा जब इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो नीचे वाला सी एच थ्री ग्रुप वाला कार्बन ले जाएगा तो नो no डाउट इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो आना ही है फिर जो एच सी एल की आयोनाइजेशन से सी एल नेगेटिव बचा था वो जाके यहाँ पर अटैच हो जाएगा टू दी टर्शरी कार्बो तो इस कार्बो से हमने देखा कि एक आई हमें जब हम अल्कोहल्स में हेलोजन एसिड डाल के हेलो एलकेन प्रिपेयर करते हैं तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होने के चांसेस भी हो जाते हैं जहां कहीं भी प्राइमरी कार्बोकेटाइन बने तो उससे हमारे पास सेकेंडरी या हेलो जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा तो इस तरीके से जो हम हेरोजन एसिड ऐड करके प्रिपेयर कर लेते हैं हेलो तो अभी तक हमने ये देख लिया फिर अल्कोहल्स की अगर रिएक्टिविटी देखें तो आपने अभी मैकेनिज्म में भी देखा है इसमें एनहाइड्रस जेड एन सी एल टू एड करना होगा और इसको हीट करना होगा फॉर टेन मिनट प्राइमरी एल्कोहल जो है इसको ज्यादा हीट करना पड़ता है तब जाके हेलो बनेगा प्लस वॉटर क्योंकि ओ एच ग्रुप जाएगा यहां से तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनना है और प्राइमरी कार्बोकेट आपको पता है सबसे कम स्टेबल होते हैं और जितना कम स्टेबल होगा कोई प्रोडक्ट उतनी ही मुश्किल से बनेगा उतनी इजीली नहीं बनेगा तो इसमें अगर हम एच सी एल तो सेकेंडरी जो कार्बोकेटाइन होता है ये ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए ज्यादा इजीली बन जाएगा यानी कि सेकेंडरी एल्कोहल से ओ ग्रुप का रिमूवल थोड़ा इजी होगा इसलिए इसको हीट भी थोड़ा कम करना पड़ेगा फाइव मिनट्स की हीटिंग ही इसके लिए सफिशियंट हो जाती है और इस तरीके से हमें यहां से एक सेकेंडरी हेलोवल केन जो है वो ऑबेन हो जाएगा प्लस वाटर फिर अगर हम टर्शरी अल्कोहल यूज करें तो टर्शरी अल्कोहल में से जब ओ OH ग्रुप जाएगा तो हमें टर्शरी कार्बोकेटाइन मिलेगा जो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है अमंग प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बोकेटाइन तो इसलिए मोस्ट रेडिली फॉर्म होगा तो टर्शरी अल्कोहल जो है वो सबसे फास्ट रिएक्ट करेगी तो इस केस में जो एनहाइड्रस जेड है उसकी भी जरूरत नहीं होगी कैटलिस्ट की जरूरत भी नहीं होगी और हीट भी नहीं करना पड़ेगा जस्ट वार्म करें अगर हम रिएक्शन मिक्सचर को तो जो रिएक्शन है वो हो जाती है और हमें टर्शरी हेलो जो है, वो हो जाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वट इज दी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट अल्कोहल्स तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में आप लिख सकते हो कि टर्सरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है सेकेंडरी अल्कोहल उससे कम और प्राइमरी अल्कोहल जो है सबसे कम रिएक्टिव होती है फॉर दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन तो आप अपनी अपनी कॉपी पे ये लिख भी सकते हो दी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट अल्कोहल्स फॉलोज दी ऑर्डर ये तृतीयक अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है सेकेंडरी उससे कम रिएक्टिव है और प्राइमरी सबसे कम रिएक्टिव होती है अब जो आपने ये रिएक्शंस की हैं अभी जैसे मैं ये दोबारा लिखकर आपको बताता हूं जब हमने HCl गैस इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 डाल के हीट किया फॉर सम टाइम तो जो हमारे पास हेलो एल्केन बना तो इस प्रोसेस को हेलो के के मेथड्स ऑफ तौर पे अगर हम यूज करें तो कहा जाता है ग्रूव्स प्रोसेस प्रोसेस मेथड ऑफ ऑफ हेलोएलकेन फ्रॉम अल्कोहल बाय यूजिंग एच सी एल गैस तो इस तरीके से अगर प्रिपेयर किया जाए तो ये ग्रूव्स प्रोसेस होगा और इसी रिएक्शन को हम अल्कोहल्स के मेथड्स ऑफ डिस्टिंक्शन में यूज कर सकते हैं कि किस तरह से हम डिटेक्ट कर पाए कि कौन सी अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है कौन सी सेकेंडरी है कौन सी टर्शरी है तो उसके लिए कैसे होगा आप यहां पर देखो अल्कोहल ये ओ OH ग्रुप है तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेती है इसलिए अल्कोहल वाटर सोलिबल है एच भी वाटर में फ्रीली सोलिबल है वाटर तो वाटर में मिसिबल है ही पर हेलो एल जो होते हैं दीज आर इनसोलिबल इन वाटर क्यों क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करते तो इसलिए जो हेलो एल्केन हमारे पास प्रिपेयर हुआ ये कंपाउंड्स होते कैसे हैं दीज आर ऑयली लिक्विड्स ऑयली से लिक्विड होते हैं ये अब वाटर में अगर थोड़ा बहुत ऑयल हम मिक्स कर दें तो कैसी अपीयरेंस होती है थोड़ा बहुत उसको शेक करें तो थोड़ा सा क्लाउडीनेस uh, सी आ जाती है सॉल्यूशन में या सॉल्यूशन टर्बिड हो जाता है तो इसी को हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं for use कर सकते हैं as a test of distinction, क्योंकि जब turbidity आ जाएगी, तब हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन हो चुकी तो अगर हम टर्शरी जो अल्कोहल यूज करें तो उस केस में टर्बिडिटी सबसे फास्ट आती है क्योंकि वो तो अपने आप डायरेक्टली रिएक्शन कर जाता है सेकेंडरी अल्कोहल को हमें पांच मिनट हीट करना पड़ा था और प्राइमरी अल्कोहल को 10 मिनट हीट करना पड़ता है फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस तो इसलिए आप लिख सकते हो सेम रिएक्शन में बी यूज एज ए टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स प्राइमरी सेकेंडरी को हम वन डिग्री टू डिग्री भी लिख लेते हैं Between primary, secondary, and tertiary alcohols. HCl gaseous and anhydrous ZnCl2 is called Leucas reagent, and the test is also known as. ल्यूकास टेस्ट तो इसमें कैसी हमारे पास सिचुएशन बनेगी आप लिख सकते हो इफ टर्बिडिटी जो क्लाउडीनेस आती थी सॉल्यूशन में इफ टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर टेन मिनट्स ऑफ हीटिंग इसका मतलब होगा प्राइमरी अल्कोहल है एंड इफ टर्बिडिटी अपीय आफ्टर फाइव मिनट्स ऑफ हीटिंग सेकेंडरी एल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल थोड़ी ज्यादा रिएक्टिव होती है इसलिए एंड इफ टर्बिडिटी अपीयर्स इंस्टेंटली की जैसे ही हमने एच सी एल गैस मिक्स की तो वैसे ही उसी टाइम अपीयर हो जाए टर्बिडिटी देन इट विल बी टर्शरी अल्कोहल इस तरीके से एक ही रिएक्शन को हम यूज कर लेते हैं एज ए टेस्ट ऑफ बिटवीन डिफरेंट अल्कोहल्स आल्सो जिसको कहा जाता है टेस्ट तो रिएजेंट उसमें ऐड करते हैं अल्कोहल में ल्यूकाज रिएजेंट क्या है एच गैस एंड एनहाइड्रस हाइड्रोसियल तो इन दोनों को एड करने से अगर टर्बिडिटी इंस्टेंटली आ गई तो ट्रशरी अल्कोहल है अगर आफ्टर फाइव मिनट्स ऑफ हीटिंग आई तो सेकेंडरी अल्कोहल है अगर आई आफ्टर टेन मिनट्स ऑफ हीटिंग तब ये प्राइमरी अल्कोहल होगी इस तरीके से HCL की रिएक्शन करें अगर अल्कोहल के साथ तो हमें है। क्लोरो जो हैं, वो मिल जाते हैं फिर अगर ब्रोमो एल्केन या एडो एल्केन बनाने हो इसी तरीके से तो कैसे रिएक्शन करनी पड़ेगी अगर हमें ब्रोमोएल्केन चाहिए तो HBr यूज करेंगे हम अब HBr जो है दैट इज अ क्वाइट रिएक्टिव एसिड तो ये अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे इसलिए हमारे पास कभी भी ये स्टोर्ड फॉर्म में नहीं होता ऐसे नहीं होता कि HBr बना के किसी हमने बीकर में या बॉटल में रखा हुआ है कि वो हम अल्कोहल में ऐड कर लें HBr हमें जब भी चाहिए हो वो उसी टाइम प्रिपेयर किया जाता है यानी कि इसकी इन सी टू प्रेपरेशन होती है इन सी टू का मतलब होता है विद इन द रिएशन मिक्सचर तो रिएक्शन तो बिल्कुल सिमिलर तरीके से होगी कि ब्रोमो एलके बनेगा तो ये एच बी आर कैसे बनेगा बाय दि एक्शन ऑफ एन ए बी आर एंड एच टू एसओ फोर तो सोडियम ब्रोमाइड जो है ये H2SO4 के साथ रिएक्शन करके इस तरीके से HBr बनाता है प्लस साथ में सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाईसल्फेट बन जाता है तो हमें जब भी कभी एच बी आर एड करना हो तो इनफेक्ट हम ऐड करते हैं सोडियम ब्रोमाइड और एच टू फोर जो आपस में रिएक्शन करके एच बी आर प्रिपेयर करते हैं और जैसे ही ये फॉर्म हुआ उसी टाइम अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके ब्रोमो एल्केन फॉर्म कर देता है तो इन सीटू प्रिपरेशन का मतलब होता है विद इन द रिएक्शन मिक्सचर इसी तरीके से अगर हमें आयडो एल्केन बनाना हो आयडो एल्केन चाहिए तो हमें हेलोजन एसिड जो है वो यूज करना पड़ेगा एचआई तो अल्कोहल में अगर हम एचआई ऐड करें अब अगर एच बी आर जो है वो इन -सी टू प्रिपेयर किया था तो एच आई को तो इन सी टू ही प्रिपेयर करना पड़ेगा तो इस तरीके से हमें मिल जाएगी तो इसकी भी इन सी टू यानी कि विद इन द रिएक्शन मिक्सचर प्रेपरेशन होगी के आई और एच थ्री पीओ फोर एसिड हम यहां पर यूज करते हैं तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके एच आई की प्रिपरेशन करेंगे और जैसे ही एच आई टाइम अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके हेलो एल्के एल्केन जो है वो बना देगा अब आपने देखा था कि एच बी आर केस में तो हमने एच टू एसओ फोर एसिड यूज किया था पर एच आई की प्रिपरेशन वाले केस में एच टू एसओ फोर क्यों यूज नहीं किया

कि जो एच आई बनता इन सी टू प्रेपरेशन होती जिसकी एच टू एसओ फोर फर्दर उसके साथ रिएक्शन करके उसको ऑक्सीडाइज कर देता इन टू आई टू प्लस टू वॉटर अब हमें यह कैसे पता चले कि यहां पर एच आई की ऑक्सीडेशन हुई है जैसे मैंने बोला है कि एच टू एसओ फोर जो है दैट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एच आई की ऑक्सीडेशन कर देता है इस रिएक्शन से हम कैसे कह सकते हैं कि i2 की ऑक्सीडेशन हुई है तो बच्चों बहुत सिंपल है ये आपने रिडॉक्स रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है लुइस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली सीखी होगी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज आल्सो ऑक्सीडेशन यहां पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 और i2 में एलिमेंटल स्टेट में होता है 0 माइनस तो वन से जीरो हुआ यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन तो इसलिए की ऑक्सीडेशन हो जाएगी जैसे ही एच आई बनेगा विद्प ऑफ एच टू एस ओ फोर तो उसकी ऑक्सीडेशन होकर फिर से आई टू बन जाएगा तो आई टू की तो अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं होगी तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एच टू एसओ फोर को हम यूज नहीं करते फॉर दिन सी टू प्रिपरेशन ऑफ एच आई तो इस तरीके से अल्कोहल से भी हमने जो हेलो प्रिपेयर करके देख लिए बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड तो ये अल्कोहल से प्रिपेयर करने का पहला तरीका था फिर बी पार्ट होगा बाय द एक्शन ऑफ Phosphorus halides, by the action of phosphorus halides. तो हमने देखा कि अगर हम acid करें, उससे रिएक्शन करें तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं पर अगर हम फोस्फोरस हेलाइट यूज करें या आगे थायोनिल क्लोराइड यूज करेंगे तब रीअरेंजमेंट होने के चांसेज उतने नहीं होते फॉस्फोरस आपको पता है दो तरह के हेलाइड बनाता है एक ट्राई हेलाइड एक होते हैं पेंटा हेलाइड जिसमें पांच हेलोजन लगे होते हैं तो ये कैसे रिएक्शन करेगा तो जैसे अगर हम PCl5 की रिएक्शन कराएं विद अल्कोहल तो PCl5 जो है ये क्या करता है कि दो क्लोरीन लूज करके एक ऑक्सीजन कैप्चर कर लेता है जहां भी इसको ऑक्सीजन वाला कोई कंपाउंड दिखेगा वो उसी टाइम दो क्लोरीन लूज करके एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा पीओ सी एल थ्री बना देगा और यहां से ऑक्सीजन अगर निकली तो एक बाउंड कार्बन का ब्रेक हुआ एक बाउंड हाइड्रोजन का ब्रेक हुआ दोनों को एक एक क्लोरीन जो है वो मिल जाएगी यानी कि यहां पर बनेगा हेलोएलकेन प्लस पीओसीएल थ्री प्लस एच सी एल CL3, एक ब्राइट ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है देखने में बहुत आ, हमें ब्यूटीफुल दिखाई देता है फिर अगर PCl3 हम यूज करें ट्राइक्लोराइड, तो PCl3 की प्रॉपर्टी होती है कि ये तीन क्लोरीन जो एटम्स हैं, ये तीनों को OH ग्रुप से रिप्लेस कर लेता है तीन OH ग्रुप्स हमें चाहिए होंगे तो उस केस में फिर तीन OH ग्रुप चाहिए तो हमें तीन अल्कोहल मॉलिक्यूल यूज करने पड़ेंगे तो हमें ऑबटेन होंगे थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोइथेन प्लस साथ में फास्फोरस को तीन OH ग्रुप्स जो हैं वो मिल जाएंगे तो हम इस फास्फोरस के फास्फोरस के साथ अगर तीन OH ग्रुप अटैच्ड हो तो इसको ऐसे कभी भी नहीं लिखते क्योंकि अगर ऐसे लिखे तो इट मे अपीयर टू बी ए बेस ये देखने में बेस के जैसे लगता है कि जो ओ एच नेगेटिव आयन देगा जबकि होता ये है एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड होता है फास्फोरस एसिड इसको बोलते हैं ये आप ब्लॉक में भी पढ़ते हो तो इसको बेटर वे में लिख लेना चाहिए इन फॉर्म ऑफ थ्री इस तरीके से तो अगर हम अल्कोहल में ट्राई हेलाइड ऑफ फोस्फोरस डालें तो फोस्फोरस एसिड जो है वो फॉर्म होता है एज दी प्रोडक्ट फिर इसी तरह से अगर हम फॉस्फोरस के और ट्राई हेलाइड को यूज करें जैसे PBr3 यूज करें तो बिल्कुल वही प्रॉब्लम आएगी जो HBr या HI के, के केस में आई थी कि ये अनस्टेबल कंपाउंड होगा इसकी हमें इन सी टू प्रेपरेशन करनी पड़ेगी अब PBr3 की इन सी टू प्रेपरेशन कैसे होती है बाय द एक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस ओवर ब्रोमीन इस तरह से अब रेड फॉस्फोरस क्या होती है फॉस्फोरस P4 मॉलिक्यूल की शेप में आ, के तौर पे एग्जिस्ट करती है अटोमिसिटी इसकी फोर होती है कि ए एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में चार एटम्स होते हैं ये Br2 के साथ रिएक्शन करके PBr3 में कन्वर्ट हो जाएगा तो P4 है यानी कि 4 फास्फोरस एटम्स हैं तो यहां पर हमें मिलेंगे 4 PBr3 तो इसमें 4 थ्री बारह ब्रोमीन एटम्स हैं तो यहां पर भी बारह ब्रोमीन होनी चाहिए यानी कि 6 Br2 हम लिख लेंगे तो जैसे ही PBr3 बना ये उसी टाइम अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके उसके तीनों OH ग्रुप्स को रिप्लेस कर देगा तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि वी विल गेट थ्री थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल यूज करेंगे तो थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्रोमो एल्केन प्लस ये हमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑब्टेन होंगे और इसी तरीके से अगर हमें चाहिए हो पी आई आइडो एल्केन तो हमें यूज करना पड़ेगा पी आई थ्री इसकी भी इन सी टू प्रेपरेशन होगी बाई द रियक्शन करके जस्ट लाइक बी आर टू यहां पर रिप्लेस करके आयोडीन लगा देता है तो इस तरीके से बाई द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हेलाइड हमने क्लोरोन ब्रोमो एल्केन और जो है ये प्रिपेयर कर लिए तो इस केस में कोई कार्बोकेटाइन वाली प्रेपरेशन नहीं होती और अगर कार्बोकेटाइन की प्रेपरेशन नहीं हो रही तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होने के भी चांसेस नहीं रहेंगे क्योंकि ये हमने हेलोजन एसिड के, के केस में देखा था कि जहां कहीं भी रीअरेंजमेंट होने का चांस बनता हो वहां पर रीअरेंजमेंट हो जाती है और हेलो जो है वो जो एक्सपेक्टेड है उससे थोड़ा डिफरेंट भी हमें मिलता है फिर फॉस्फोरस हेलाइड के बाद अगला तरीका है फ्रॉम अल्कोहल्स ही कोलोअलकेन को प्रिपेयर करने का दैट इज बाय द एक्शन ऑफ क्लोराइड अब ये थायोनिल क्लोराइड क्या होती है इट इज एक्चुअली SOCl2. सी एल टू एसओ सी एल टू तो ये कैसे रिएक्शन करती है तो ये भी बिल्कुल PCl5 फाइव के जैसे ही जहां भी ऑक्सीजन देखेगी वहां से एक ऑक्सीजन खींचकर दो क्लोरीन दे देगी एक डाइवेलेंट एटम ऑक्सीजन ये खींचकर दो मोनोवेलेंट क्लोरीन जो है वो दे देगी अब अगर अगर यहाँ से ऑक्सीजन खींची गई एक बॉन्ड कार्बन का ब्रेक हुआ एक बॉन्ड हाइड्रोजन का तो दोनों एटम्स को एक-एक एक-एक या एक एक क्लोरीन मिल जाएगी, तो हमें मिलेगा प्लस एच सी एल गैस होती है और साथ में एसओ टू ये भी एक गैस होती है तो ये दोनों के दोनों कंपाउंड जो है रिएक्शन मिक्सचर से उड़ जाएंगे ंग बिहाइंड द्योर हेलोएलकेन एज द प्रोडक्ट तो इसलिए ये वाला मैथड जो है ये सबसे अच्छा मैथड गिना जाएगा इन दिपरेशन ऑफ हेलोएलके्कोहल्स क्योंकि इस केस में दोनों बाई प्रोडक्ट जो बने हैं वो गैशियस है विच एसके फ्रॉम द रियक्शन मिक्सचर तो इस तरीके से आप लिख भी सकते हो इस मेथड को कहा क्या जाता है इट इज कॉल्ड डार्जन मैथड डार्जन ने प्रपोज किया था तो आप लिख सकते हो दिस इज बेस्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हेलो अल्कोहल्स, एज बोथ दाई प्रोडक्ट्स आर गैसेस, विच एस्केप फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर ंग बिहाइंड प्योर प्रोडक्ट लीविंग बिहाइंड प्योर हेलो एल्केन तो इस तरीके से थानिल क्लोराइड के साथ अल्कोहल की रिएक्शन करके क्लोरो एल्केन बनाना सबसे प्रॉफिटेबल मेथड होगा फिर तीसरा मेथड हम करते हैं पहला हमने किया था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स दूसरा कर लिया फ्रॉम अल्कोहल्स और तीसरा है फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सिल्वर सॉल्ट हम यूज करेंगे और इस रिएक्शन को कहा जाता है डीकर रिएक्शन क्योंकि ये बोरोडिन हंड्स डीकर ने प्रपोज की थी हंड्स डीकर रिएक्शन कैसे करते हैं हम तो इस केस में बेसिकली हम यूज करते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे यहां पर सिल्वर इथेनोएट यूज किया इसमें हम ब्रोमीन ऐड करेंगे सॉल्वेंट यूज करेंगे कोई नॉन पोलर नॉन एक्वस दैट इज लाइक सी सी एल 4 वो सॉल्वेंट यूज करें अगर तो ये यहां पर से बीच में से सीओ टू यहां से निकल जाएगी एक ब्रोमीन मिलेगी सी एच थ्री ग्रुप को दूसरी ब्रोमीन ए जी बी आर को आ, सिल्वर को सॉरी और साथ में सीओ टू जो है that will be lost. तो इस तरीके से हमारे पास जो हेलोवल केन बना उसमें एक कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट से कम हो गई है तो इसलिए आप ये भी लिख सकते हो एक लाइन कि दिस रिएक्शन मे बी यूज फॉर स्टेपिंग डाउन दी सीरीज़ कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमें कम करने होते हैं एंड इज बेस्ट फॉर द प्रेपरेशन ऑफ ब्रोमो एलके और लास्ट मेथड बचता है हमारे पास बाय हेलाइड एक्सचेंज कि जो हेलोजन ऑलरेडी लगी हुई है उसको चेंज करके दूसरी लगा दें क्योंकि अभी तक जो हमने मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन किए हैं उनमें फ्लोरो एल्केन बनाने का कोई तरीका नहीं किया क्योंकि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन हम करते नहीं है और एच बहुत वीक एसिड है वो अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा और इसी तरीके से पी एफ थ्री या पी एफ फाइव भी रिएक्शन नहीं करते इफेक्टिवली तो फिर कैसे प्रिपेयर होगा विल बी बाय एक्सचेंज कैसे कि एक हेलोजन जो है वो अगर पहले लगी हुई है तो उसमें हम कोई दूसरा कंपाउंड ऐड करेंगे जो इस uh, की फॉर्मेशन कर देगा जो हमें चाहिए हेलोएलकेन या फ्लोरोएल्केन जैसे हम ये वाली रिएक्शन करें कि क्लोरो एल्केन में मर्क्यूरस फ्लोराइड ऐड करें Hg2F2 ये HgF का डाइमर होता है तो ये क्या करेगा यहां से दोनों फ्लोरीन को दो क्लोरीन एटम्स के साथ एक्सचेंज कर लेता है और हमें मिलेगा यहां पर फ्लोरो एल्केन या फ्लोरोइथेन प्लस Hg2Cl2 जिसको कैलोमल कहा जाता है ये आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो कि व्हाट इज कैलोमल एच जी टू सी एल टू इस तरीके से फ्लोरोल जो है वो हमें ऑब्टेन हो गया जो फ्लोरोल हम डायरेक्ट फ्लोरीनेशन से नहीं बना सकते तो उसको इस तरीके से हम बना लेते हैं तो इस रिएक्शन को कहा जाता है स्वार्ट्स रिएक्शन तो स्वार्ट्स रिएक्शन में मर्क्यूरस फ्लोराइड की जगह पे हम एंटीमनी uh, ट्राईफ्लोराइड SbF3 वगैरह भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से हमने फ्लोरोएल्केन बना लिया फिर आपने और देखा था कि आयडो एल्केन बनाने में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है कई बार तो फिर अगर आयडो एल्केन बनाना हो तो जो क्लोरोइथेन है इसमें हम ऐड करेंगे सोडियम आयोडाइड तो यह क्या करेगा यहां से क्लोरीन जो है वो आयोडीन के साथ रिप्लेस हो जाएगी एन हो जाएगा तो एक्वस मीडियम में ये रिएक्शन होगी तो आप देख सकते हो कि यहां पर सॉरी तो एक्वास मीडियम में नहीं किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में यह हम रिएक्शन करेंगे तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे CCl4 हो गया या बेंजीन हो गई या क्लोरोफॉर्म हो गई या इथर हो गई कोई तो उसमें आप देखते हो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सिर्फ ऑर्गेनिक सोल्यूट ही सोलबल होते हैं लाइक like, लाइक like, कोई कोवेलेंट उंड उसमें सोलिबल होंगे क्लोरोन एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है ये से ईथर में सेबल है एल्केन भी ईथर में सोलिबल है और सोडियम क्लोराइड हमें पता है कि टिपिकल आयनिक कंपाउंड है ये आप सॉलिड स्टेट में इसकी स्ट्रक्चर भी करते हो तो ये आयनिक कंपाउंड होने के कारण ईथर में सोलिबल नहीं होता इसकी उसी टाइम प्रेसिपिटेशन हो जाएगी सोडियम आयोडाइड देखने में अपियर होता है कि ये आयोनिक है पर एक्चुअली ये भी एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है एन में काफी ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर हुआ करता है तो इसलिए कोवेलेंट होने के कारण ये भी में हो जाएगा तो सोडियम क्लोराइड जो आयोनिक कंपाउंड है अगर हम यहां पर सॉल्वेंट यूज करेंगे ईथर तो सोडियम क्लोराइड की प्रेसिपिटेशन हो जाएगी और हमें आइडो एल्केन जो है वो मिल गया अब यहां से बैकवर्ड रिएक्शन होने का कोई चांस नहीं है क्योंकि NaCl विल प्रेसिपिटेट आउट और इस रिएक्शन को हम कहते हैं फिंकल स्टीन रिएक्शन ये फिंकल स्टीन ने प्रपोज की थी तो इट इज ए फिंकल स्टीन रिएक्शन